आज हम आपको बताएंगे कि गुलाब जामुन। गुलाब जामुन एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी जिसका नाम सुनता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। और इस गुलाब जामुन को हर शादी में ब्याह में देने के लिए बहुत अच्छी एक चीज मानी गई है कि किसी को देने मिठाई में गुलाब जामुन दे दो। गुलाब जामुन अगर बाहर के लोग तो पता नहीं क्या क्या भी इसमें डाल देते हैं, आपको क्या बताएं। इससे अच्छा आप घर में ही गुलाब जामुन बहुत ही आसान तरीके से सस्ते तरीके से घर में बना सकते हो। गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक कप मिल्क पाउडर ले लेना है और एक चौथाई ले लेना है मैदा, ठीक है, और एक चम्मच ले लेना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं वो ले लो, और आधा चम्मच नमक ये लेके इसको, और दो तीन चम्मच उसमें घी मिला लेना है। घी मिला के उसके आपने गोल गोल सी पेड़ियाँ बना लेनी है, पेड़ियाँ गोल गोल बना के उस पेड़ियाँ रख देनी है और इसको अलग रख के उसके बाद आपने क्या करना है कि एक रिफाइंड ऑयल ले लेना है। रिफाइंड ऑयल लेके उसमें गर्म करके रिफाइंड ऑयल को कढ़ाई में, और इन पेड़ियों को उसमें तल लेना है। उसको तलने के बाद आपने क्या करना है कि जब ये रेड ब्राउन हो जाए, देखने में थोड़ी सख्त सी हो जाए, और इसको आपने अलग अलग रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चाशनी बना लेनी है, चाशनी तार वाली चाशनी बनानी है जिसको आप देखें हाथ लगे देखें जिसमें तार बन रही हो, वो तार वाली चाशनी में ये डाल देने हैं। और उस चाशनी में आपने याद करके गुलाब जल थोड़ा सा डाल देना है। गुलाब जल डालने से उसमें गुलाब का टेस्ट गुलाब जल में आएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बड़े बनेंगे। और जो पेड़े बना के रखी हैं तल के रखी हैं वो उसके अंदर डाल देनी है और उसको डुबा के रखनी है, कम से कम आधा घंटा उसमें डूबी रहना चाहिए, और जो चाशनी है वो उन गुलाब जामुन के अंदर भर जाएगी और आपका बढ़िया अच्छा स्वादिष्ट गुलाब जामुन तैयार है। उसको आप परोस सकते हैं, खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।